बैक मार रहे बैक सहेल खान आपको बहुत मिस कर रहे हैं इसको देख के देख वीडियो देख के बैक बजे ही बने यार ये पता लग गया हूं कोई अस्सलामुअलैकुम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये मेरी वीडियो का दूसरा हिस्सा है रोहित की लाइफ के बारे में। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि लोग होंगे ट्रेंसन कैसे हैं, घर कैसे हैं, और बकरी के बालों से जब वो बुज़ुर्ग बना रहे थे रस्सी, वो भी आपने देखी थी। तो इस वीडियो में आप देखेंगे कि पानी के टोबे कैसे होते हैं जहाँ से जानवर और इंसान पानी पीते हैं, और उसके अलावा कुएं बने हुए थे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। चलें तो वीडियो शुरू करते हैं। सुबह सुबह लस्सी, रोही की लस्सी भुट्टा बरादरी के साथ। सारे इलाके पूरी फेमस है। हाँ पूरे सारे खान भुट्टे हैं। किमे है लस्सी? बढ़िया बेहतरीन जबरदस्त है। ठीक है भाईजान मेहरबानी। ठीक है ओके। ये जो था ना ये टोटली देसी फूड था, बहुत मजा आया लस्सी पीने का। ये बच्चा खुमिया ले आया पकाने के लिए। सालन बनेगा इसका? सालन बनेगा इसका। सालन से ये ट्राई को सालन खा ले। अच्छा ये खुमिया लेके जा रहा है बच्चा। कितू बड़ा है ये? गोली नहीं बजे इदू होनी नहीं वाल सालन बगे सो सारे पास तो छतरी वाली कुंभी। चलो ठीक है हाथी ला जा। हाथी लाई? चलो ठीक है इंशाल्लाह। यहाँ के जो लोग हैं ना, यहाँ के जो लोग हैं वो भेड़ बकरियाँ और जानवर वगैरह पाल के ना, गाय वगैरह वही पालते हैं और वही उनका कुल असास है। ये सामने देखें भेड़े बैठी हुई हैं। अभी सुबह का वक्त है लेकिन ये अभी थोड़ी देर बाद में इनको ले जाएंगे चराने के लिए। ऐसा ऐसा कुछ लोग शुरू हो गए हैं, वो भाई आ रहे हैं मेरे हाल में, वो ले जाएंगे इनको चराने के लिए। नहीं भाई जान चरावन खेन वैसो कितना दूर बने होने वे? अच्छा वल कितने बजे वापस वल दे वे? शाम को 6 बजे वापस आ दे। ये इधर ले जाएंगे इनको चराने के लिए और शाम को 6 बजे ये वापस आएंगे। इस साथ पानी की बोतल भी इन्होंने रखी हुई है। ये कहाँ से भरते हैं पानी? टरबाइन से भराते हैं जो गवर्नमेंट ने लगाई हुई हैं। और जानवरों को कहाँ से वो पानी पिलाने? हाँ वो जानवर टोबे से पिलाने। टोबे तो पिलाने वे सही सही। ए आप भी टोबे तो पीने बंदे या? हाँ टोबे पीने बंदे सही। ये कुछ सर्वे मार्क है 1924 1924 का सर्वे मार्क। मतलब ये इतनों दे जड़ मतलब पहले बहावलपुर दे उन्हें सल्तनत दे जड़ बादशाह न मतलब रियासत दे जड़ बादशाह ये उन्होंने अपनी आवाम वास्ते मतलब जेरे तमीरे कुएं कराया ना
मतलब उन्होंने काफले लंघ दिया ते वाली थों पानी छानी पीने हम लिख जान स्टे करे जान उस दौर दे मतलब देखो मैं लेकिन होने ते वीरान हो गए होना लोग इस तरह यूज क्या नहीं करेंगे ते इस वास्ते वाले हम मतलब के कुछ खस्ता हाल है विजिट करो चलें जी आपको दिखाते हैं काफी पुराने कुएं बता रहे हैं भाई पुराना है इतना गहरा एक ये कुआं है और ये आगे एक और कुआं है ये चेक करो यहाँ पे रस्सी वगैरह लगती थी यहाँ से पानी को खींचते थे यहाँ से पानी को खींचने के बाद यहाँ पे पानी आता है यहाँ से फिर पानी की डिस्ट्रीब्यूशन जाती है वहाँ पे वहाँ जहाँ पे लड़का खड़ा हुआ ना वहाँ पे फिर पानी जमा होता था ये है जी दूसरा कुआं गहरा ही चेक करें आप बहुत ही गहरा नजर तो नहीं आ रहा साजिद हुसैन बड़ा आ गया 1993 1993 में ये बना था चोलिस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी ने बनाया ये हम पहुंच गए हैं भाई टोबे पे टोबा वो जगह है जहाँ पे बारिश का पानी जमा होता है और यहाँ से जानवर और इंसान पानी पीते हैं जहाँ के लोकल जो लोग हैं वो यहाँ से अपने जानवरों को भी पानी पिलाते हैं और ख़ुद भी पानी पीते हैं यहाँ से आती हैं औरतें पानी वगैरह घड़े भर के ले जाती हैं पीने के लिए ये देखो ये अभी अभी जानवर यहाँ से गुजरे हैं पानी पी के ही जा रहे हैं वो सामने जानवर जा रहे हैं पानी पी के ना सुबह के टाइम फिर इनको ले जाते हैं आगे चराने के लिए सारा मट्टी वाला पानी यही पानी जानवर और इंसान पीते हैं यहाँ पे एक आगे है वो है पक्का टोबा वहाँ पे पक्का इन्होंने बनाया हुआ है जगह पानी पीने के लिए चलो चलते हैं उस जगह को भी देखते हैं ये है पक्का टोबा ये टोटल इन्होंने ऊपर छत बनाई हुई है कंक्रीट की और इधर एक रास्ता रखा हुआ है ताकि पानी जमा हो गया ना इसके अंदर जाता रहे ये देखें ये पानी अंदर जमा हुआ हुआ है यहाँ से फिर पानी भर के ले जाते हैं ये जगह उन्होंने छोड़ी हुई है पानी के अंदर जाने के लिए यहाँ से भी पानी अंदर जा सकता है फिल्टर कहाँ लगा हुआ है ये सारे ये ऐसे समझ लीजिए फिल्टर ही है क्योंकि यहाँ पानी जो पहले पानी होता है ना बारिश का नीचे रुक जाता है जो साफ पानी ऊपर से तैर के आता है ना वो यहाँ पे सही
ये साइडों पे ये इसीलिए ये छोटी छोटी यहाँ के लोगों के लिए तो यही फिल्टर होगा ना, उनको पानी जो नहीं मिलता। इधर से भी एक जगह बनी हुई है, सारा बारिश का पानी यहाँ पे जमा होता है। ये है पक्का टोबा। ये सावन पड़ा हुआ है बर्तन धोने के लिए या फिर नहाने के लिए। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं देसी लाइफ के हवाले से वीडियो बनाता रहता हूं, देसी लोगों के ज़िंदगी के ऊपर, उनके रहन सहन, उनका खाना पीना कैसा है, उसके ऊपर वीडियो बनाता रहता हूं। तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।